नमस्कार। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में बैठक आज। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा विचार विमर्श। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट की कटौती को लेकर गैर भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों पर बढ़ा दबाव। भाजपा ने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट की कटौती की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। लोकप्रियता के आधार पर अप्रूवल रेटिंग में 70% अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने 66% के साथ दूसरा और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने 58% के साथ तीसरा स्थान किया हासिल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान ने 108 करोड़ का आंकड़ा किया पार। कल शाम 7 बजे तक 25 लाख से अधिक टीकों की दी गई खुराक। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.23%। कानपुर में जीका वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी। 13 और मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 79। संक्रमण की रोकथाम को लेकर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना। फ्रांस और भारत ने समुद्री सुरक्षा को मिलकर मजबूत करने पर जताई सहमति। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और रक्षा औद्योगिकरण में मदद करने के अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। आईसीसी T20 विश्व कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप एक में बेहतर रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज खेले जाने वाले मुकाबलों में अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से, वहीं पाकिस्तान की स्कॉटलैंड से होगी भिड़ंत। और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उद्घाटन वक्तव्य से शुरू होगी और इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सभी वरिष्ठ पार्टी नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अन्य वर्तमान विषयों पर विचार विमर्श करेगी। कोविड नियमों को देखते हुए बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगी। कुछ नेता बैठक में उपस्थित रहेंगे जबकि अन्य इसमें वर्चुअली भाग लेंगे। कोविड महामारी के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली ऑफलाइन बैठक होगी। बीते दिनों जब पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों के दामों में इजाफा हुआ तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की, लेकिन केंद्र सरकार ने जब पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने के शासन वाले राज्यों ने अपने हिस्से से वैट में कमी नहीं की। विपक्षी दलों द्वारा जनता को राहत के नाम पर इस दोहरे रवैये पर भाजपा बेहद मुखर है। बीजेपी ने विपक्षी राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन किया और वैट में कमी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर हैं। 70% अनुमोदन के साथ वो रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी
54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल चौथे पर और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पांचवें स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग आंकड़ा एकत्र किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 108 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। कल शाम 7 बजे तक 25,54,000 से अधिक डोज दी गई। जनपद कानपुर नगर में बेकाबू होता जा रहा जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जीका वायरस संक्रमित 13 और मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। वहीं जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संक्रमण को लेकर 24 घंटे कार्य किए जा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी टीम के साथ पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख जी अय्यर ने बताया कि प्रत्येक केस को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा परीक्षण कर साफ सफाई रखने की सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम और उपचार संबंधित जानकारी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थिति पर काबू करने के लिए टीम गठित कर संक्रमण को रोकने और संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं जीका संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों सहित प्रदेश सरकार नजर बनाए हुए है। मुंबई के कांदिवली इलाके में हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भीषण आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में घायल 2 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। करीब कल रात 8:30 बजे आग लगी और दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने भारत के साथ साझेदारी को उसकी हिंद प्रशांत सामरिक नीति का प्रमुख स्तंभ बताया है। फ्रांस ने स्थानीय शक्ति के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता जारी रखने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोनी ने वार्षिक भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष और साइबर मामलों में नई पहल पर सहमति बनी। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण और रक्षा क्षेत्र के औद्योगिकरण, संयुक्त शोध तथा भारत में प्रौद्योगिकी विकास को पूरा समर्थन देने की वचनबद्धता दोहराई है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि वैश्विक मामलों में नए रुझानों से साझेदारी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों में सुधार भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भारत फ्रांस की सफल पहल के आधार पर दोनों देशों ने असैनिक परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तेज करने पर भी जोर दिया। वार्षिक भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता से इतर अजीत डोभाल ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस्ली ड्रेन और रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से भी मुलाकात की। दोनों देश द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी साझेदारी मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान तथा पहले से जारी सहयोग को और बढ़ाया जाएगा। टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। टीम की ओर से रबाडा ने आखिरी ओवर में हैट्रिक ली। हालांकि इस जीत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड ग्रुप में शीर्ष पर रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर रन रेट के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।